फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल यू मी एंड ट्रैवल। और बहुत दिनों बाद आप लोगों को हम ऐसे गाड़ी में बैठे हुए दिख रहे होंगे। लगता है आफ्टर पौंडीचेरी व्लॉग अभी हम लोग इस तरीके से कार में फिर से व्लॉगिंग कर रहे हैं। तो कोई गेसेस है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और यूजुअली जब हमें बहुत लॉन्ग ट्रैवल करना रहता है तो हम इस टाइम पे निकलते हैं। तो चलिए बात करते हैं संदीप से, कहाँ चल रहे हैं हम लोग। बस हम लोग निकल चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ और उस मंजिल का नाम है पुणे। तो हम प्लान कर रहे हैं बेंगलोर टू पुणे, आराम से एक दिन में पहुंच जाएंगे। अब देखते हैं जर्नी कैसी होती है। रास्ते तो सुना है कि काफी अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट लेट्स सी। आपको बताएंगे थोड़ा थोड़ा रास्ते का कंडीशन की कैसा है, किस हिसाब से है, और अगर आप 4 बजे सुबह निकलते हैं तो कितने बजे पहुँचते हो, ये भी आपको बताएंगे। हम लोगों का सुबह निकलने का रीजन ये है कि मोस्टली हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि बैंगलोर का ट्रैफिक अवॉइड करें, क्योंकि अगर हम 8 बजे 9 बजे निकलते तो शायद हमें 2-3 घंटे बैंगलोर से निकलने में लग जाए एयरपोर्ट तक। तो इसलिए हमारे सारे ट्रैवल में आप देखोगे हम लोग सुबह कोई भी सिटी में रहे, हम चाहते ट्रैफिक से पहले पार हो जाए। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा गिनी ने, क्योंकि जब भी अगर आप बैंगलोर में है तो जितनी अर्ली मॉर्निंग आप अपना डे स्टार्ट करेंगे, मतलब आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं, आउट ऑफ बेंगलोर जा रहे हैं, तो वो बेहतर होगा क्योंकि आप ट्रैफिक से बच जाओगे, अदरवाइज बहुत ज्यादा ट्रैफिक फेस करना पड़ेगा। तो गिन्नी मुझे बताओ मैप देख करके कि अभी स्ट्रेट जाना है या राइट लेफ्ट लेना है। स्ट्रेट ही दिखा रहा है अभी, ऐसे भी मैप में ना फ्लाईओवर लेने के लिए बोलता है तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि नीचे से सर्विस रोड लें ऊपर वाला या किधर जाना, नहीं समझ में आता है। और सारा परफॉर्मेंस प्रेशर ना बगल वाले पे रहता है जो मैप बता रहा होता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं आगे की जर्नी धीरे 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 करके, अभी तो जस्ट हम लोगों ने स्टार्ट ही किया है, अभी पूरे दिन की जर्नी बाकी है। और ये जो आप देख रहे हैं बेंगलोर के रास्ते हैं, रात को कितना सुंदर लग रहा है, खाली रोड, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं। दिन में सिचुएशन कुछ और ही रहता है, थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा रहता है और बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, तो ड्राइव करने में उतना मज़ा नहीं आता जितना मज़ा नाइट में आता है। तो 1 घंटा हो गया और अब हम लोगों ने बैंगलोर पुणे हाईवे ले लिया है, जो कि अभी हम लोगों को काफी खाली तो नहीं, बट हाँ ठीक है, बैंगलोर के कंपेयर में तो अच्छा ही। चलो ठीक है, जल्दी जल्दी निकल रहे हैं रास्ते में और ट्रक्स काफी ज्यादा चल रहे हैं अभी। हाईवे में तो आपको ट्रक्स वगैरह ये कॉमन ही है, मिलेंगे मिलेंगे बड़े बड़े हाईवाज एंड ऑल, ठीक है, जैसा भी है रोड ठीक होना चाहिए, बाकी तो सब चल जाएगा। अभी तक तो कंटिन्यूअसली पेट्रोल पंप दिख रहा है, सारे इंडियन ऑयल HP जितने सारे हैं सारे दिख रहे हैं रास्ते में अभी तक, सारे गाड़ी को रोकना है सब कुछ। पता नहीं कब तक खड़ा होना पड़ेगा भाई ट्रैफिक में, मतलब 10 मिनट हो गया यहाँ पर खड़े हुए। शायद चलना शुरू हुआ क्या, पता नहीं, जल्दी इसलिए निकलते हैं घर से कि जल्दी पहुंचे, बट ट्रैफिक का तो मतलब बोल ही नहीं सकते भाई, फंसना जरूरी है ट्रैवल कर रहे हो तो एक बार तो एक बार। चलो फाइनली चला। थोड़े जगह में इन लोगों का खड़ा रहेगा गाड़ी और उस एरिया में पूरा लोके पता पूरा हाईवे में आधा रास्ता ये लोग ले रहे, पूरा जाम लगा हुआ है, दिमाग खराब हो गया, सुबह से तीसरी चौथी बार फंस रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं रास्ते में ट्रैफिक और रोड कंडीशंस कैसा होगा। तो रोड कंडीशंस ठीक है, बीच में किसी किसी जगह पर थोड़े से रोड छोटे हैं, थोड़े से रोड खराब हैं, बट अदरवाइज रोड अच्छे हैं। ट्रैफिक आपको मिलेगा, थोड़ा मोड़ा ट्रैफिक आपको मिलेगा, किसी किसी जगह में हो सकता है आप ट्रैफिक जाम में भी फंसे कुछ 15 मिनट आधे घंटे के लिए। गुड मॉर्निंग, एक कप चाय हो रहा है, मतलब दिन की पहली चाय, पहली नहीं एक्चुअली दूसरी है, पहली घर पे ही हो गई थी तो हल्की, 3 बजे सुबह। हाँ हल्की हल्की ठंड है बट उसका भी अपना एक अलग मजा है। और अभी टाइम हो रहा है 7:30 और हम लोग अभी कहाँ पहुँचे, और चाय इतनी बेकार बनी है ना कि मैं क्या बता। और अभी टाइम हो रहा है कितना, 7:30 हो रहा है, 7:30। हाँ अभी टाइम हो रही है 7:30, हम लोग ऑलमोस्ट चित्रदुर्गा पहुंचने वाले हैं। हाँ और ये हम लोगों ने इस बीच में 6 टोल गेट अभी तक पार कर लिए। ये आपका तुमकुर चित्रदुर्गा
टोलवे है जिस जगह को अभी जस्ट हम लोगों ने पार किया है। बेंगलोर से पुणे का जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 862 किलोमीटर्स का है, जो हम लोग एक दिन में ही आराम से कवर कर लेंगे। एज पर गूगल 14 से 15 घंटे दिखा रहा है, बट हमें लगता है हम लोग 12 से 13 घंटे में कवर कर लेंगे ये डिस्टेंस। ऐसा नहीं कि बहुत फास्ट चलाएंगे, बट हाँ रुकते रुकते 13 घंटे 14 घंटों में आराम से ये जो जर्नी है वो कंप्लीट हो जाएगी। और अगर बात करें पेट्रोल पंप वगैरह की तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पूरे रास्ते में आपको भर भर के पेट्रोल पंप्स मिलेंगे। चलिए बात करते हैं कि रास्ते में खाने पीने की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं या नहीं। आपको ईजिली खाने पीने की फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, काफ़ी छोटे छोटे होटल्स बड़े होटल्स वगैरह हैं, तो खाने पीने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी है। अगर आप कुछ कैरी नहीं करते अपने साथ खाने पीने के आइटम्स तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब बात कर लेते हैं टोल की। तो बहुत सारे टोल्स पड़ते हैं बेंगलोर से पुणे के रास्ते में, हमें काउंट तो नहीं किया बट 10 प्लस टोल्स पड़ते हैं और 1200-1400 रुपीज़ आपको अप्रॉक्सीमेटली टोल में देना पड़ता है, तो टोल वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, तो ये आप दिमाग में रख करके चलें। तो अभी हम लोगों ने धारवाड़ का टोल गेट पार किया और उससे पहले का जो 20 से 30 किलोमीटर का रोड है वो बोल सकते हैं कि टू लेन रोड है, और उसमें मतलब बीच में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कुछ न कुछ काम हो रहा है, जिसके वजह से बिल्कुल मतलब बहुत टाइम लग गया हम लोगों को। हाँ थोड़ा सा मतलब जो वो 30 किलोमीटर का सर्कल है वहाँ पर गाड़ियाँ थोड़ी धीरे चलेंगी क्योंकि टू लेन रोड है, उस तरफ से भी गाड़ियाँ आती हैं इस तरफ से भी गाड़ियाँ आती हैं, तो आप ज़्यादा ओवरटेक वगैरह कुछ नहीं कर सकते हैं, तो अगर ट्रक वगैरह के पीछे चल रहे हैं तो धीरे 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 आपको चलना होगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। और अब बात कर लेते हैं रेस्ट रूम या वॉशरूम की, तो उसकी भी फैसिलिटीज़ हैं। जिस जगह में भी आपको टोल प्लाजा वगैरह पड़ेगा वहाँ पर आपको वॉशरूम वगैरह मिल जाएगा, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं जो कि डिसेंट क्लीन रहते हैं। जब हम 4-5 साल पहले बेंगलोर से पुणे ट्रेवल किए थे तब हम लोगों को जो रोड में ग्रीनरीज थी पहाड़ वगैरह थे वो बहुत ज़्यादा थे, बट अभी क्या हुआ है कि शायद माउंटेन्स वगैरह काट करके बड़े बड़े रोड बना दिए हैं, तो जिसके कारण वो नहीं दिख रहे। तो रोड बड़े होते जा रहे हैं पहाड़ कम होते जा रहे हैं, जिसके कारण थोड़ा सा बुरा लगता है। ये आप देख रहे हैं टनल है, और इस टनल का जो रोड है वो काफी अच्छा नहीं है, अंदर का जो भी रोड है वो थोड़ा टूटा फूटा है, तो कंडीशन उतनी अच्छी नहीं लग रही मुझे इस टनल की। और अब ये जो एक और टनल पड़ी है दूसरी टनल है, ये कात्रज वाली टनल है। शायद जब हम पहली बार आए थे तब इस टनल को पार नहीं किया था, नॉट श्योर, बट ये जो कात्रज वाली टनल है इसका कंडीशन काफी अच्छा है, काफी अच्छी है ये टनल। और फाइनली दिन भर की जर्नी कंप्लीट करके अभी शाम के बज रहे हैं 6 और हम लोग ऑलमोस्ट पुणे पहुंच चुके हैं, तो हमने अपनी जो जर्नी थी ये अराउंड 14 आवर्स में कंप्लीट कर ली रुकते रुकते आराम से। तो अब हम करते हैं अपने इस व्लॉग को यहाँ पर एंड और मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो हमारा नेक्स्ट व्लॉग कौन सा होगा क्या होगा ये आपको नेक्स्ट व्लॉग में ही पता चलेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए, एक ही लाइफ है एक ही बार है। बाय बाय, टेक केयर।